बोलो जाओ बोलो, ना आई लव यू एग्जिट कर बोलो, लो। सर्वर अरे खोल रहा हूँ, मुझे आई लव यू बोलो, सर्वर खोल रहा यार हूँ, बोलो बोलो आप जल्दी कौन बोलो। है, आप हो कौन है तो बताओ। हाँ तुझे क्यों बोले भाई, तू तो नहीं, तूने थोड़ी ना बंद किया वैभव, है, बीच अच्छा में ये ही वैभव वैभव नाम नाम लेके, लगाता है। बोल दो तो वैभव सही, वैभव नाम लेके बोल दो है तो सही, मैं खोल रहा हूँ एक बार में, खोल रहा ना हूँ मैं। हाँ हाँ बोलो जल्दी बोलो, पक्का खोल दूंगा, जल्दी बोलो। क्या बोलना है, लव यू बोलना है भाई, क्या क्या करवा हाँ जल्दी रहा बोलो, खोलो, है। हाँ बोलो तो बोलो, सही, खोल तभी रहा हूँ। तभी हटाएंगे। हाँ लव यू भाई भाव, चलो चलो बिल्कुल। थैंक खुल यू, गया, चलो खुल गया। ओके ओके ओके, अब लगता है भाई हमें भी वॉइस चेंजर यूज करना पड़ेगा। है भाई, एक लव यू बोलने से यहाँ पे काम हो जा रहा है, तो मजा आ गया भाई। खैर देखो, ये वाला, ये दिन का मेरा पहला मैच था, ठीक है। पहले ही मैच में यहाँ पे हमारे साथ कांड हो गया, यहाँ पे मैच हैज एंडेड ऐसा बता रहा है। मतलब भाई जाओ, सीधा बाहर जाओ आप, आपका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। फिर मैं सोचा ठीक है, रिस्टार्ट कर लिया जाए, क्या अब तक सही हो जाए। बार बार फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करता हूँ, उससे कुछ होता नहीं। बस जैसे ही लॉबी में आता हूँ, थोड़ा वेट भी करता हूँ, मैं सोचा आ जाएगा ऑप्शन, बट भाई यहाँ पे पहले से ही मेरे को फेंक दिया था कि जाओ आपका मैच खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया था बाहर। अब भाई कुछ ही देर बाद यहाँ पे कैदे रिजल्ट चेक करता हूँ, #82 पे फिनिश हो गया, मतलब भाई अपना यहाँ पे लग गए थे, ठीक है, तो माइनस लग गए। अब भाई यहाँ पे देखो भाई, दिन के मेरे सुबह से जितने भी मैचेज हैं, सारे के सारे 6 मैच खेले ना, 6 के 6 मैच मेरे भाई एकदम से अच्छे गए, ठीक है, बहुत बढ़िया गए। लेकिन लास्ट में ये सर्वर फिर जाके हक दिया साला, अपना पूरा मैटर खराब हो गया उधर पे। भाई मेरा डेली का जो 2 रेटिंग प्रोटेक्शन रहता है ना, वो भी खराब हो गया। एक तो भाई इसने खराब कर दिया, और एक एक बंदे ने गाड़ी से उतार दिया, वो भी मेरे को गलत ही लग रहा था। खैर छोड़ो, ये तो हमारा रोज का है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर कॉन्करर, या फिर सीजन एंड के तक कॉन्कर कितने पॉइंट पर रहेगा, और भाई डेली कितने पॉइंट पे आपको कॉन्कर मिलेगा, ठीक है, तो उसी बारे में बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। अब देखो यहाँ पे ना, हाई प्लस लेने के लिए गेम प्ले आप पूरा देखा करो, ठीक है, हाई प्लस के जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, और भाई गेम में सर्वाइव कैसे करना है, कॉन्कर लॉबी में कैसे सर्वाइव करना है, सिचुएशन क्या रहता है, वो सारा आप पूरा गेम प्ले देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे ना, खुद ही समझ जाओगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक भी किल नहीं था, तो भाई मुझे तो किल चाहिए था, है ना, तो इसलिए भाई आओ देखता हूँ ना, ताओ देखता हूँ, सीधा कर देता हूँ सामने वाले बंदे पे पुश। और भाई यहाँ पे एक हेडशॉट चिपक ही गई, खैर यहाँ पे पूरा हिप फायर में ही मारा, तो एक और बंदा है, ठीक है, इधर पे अब एक किल यहाँ पे मिल गया, एक और बंदा है, फटाक से अपने आप को हिल करते हैं। अब यहाँ पे ये सीन देखो अरे भाई एक टाइम पे ऐसा फ्लैश हैक टाइप का लगा, खैर यहाँ पे इसका नेट का कुछ इशू होगा, बट कोई ना, इसको बहुत ही इजी मार दिया, और हो जाते हैं हमारे यहाँ पे अच्छे खासे 2 किल। अब देखो यहाँ पे मेरे को लग रहा था ऊपर कोई बंदा है, बट ऊपर कोई रहता नहीं, तो मैं सोचा ठीक है चलो मैं ही चला जाऊँ, होटल बनाता हूँ, ऊपर जाता हूँ। अब देखो ऊपर से मैं ढेर सारे किल्स भी निकालूंगा। अब यार थोड़ा हमारे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर कॉन्कर। अब देखो आज का जो कॉन्कर पॉइंट है, अगर आप 4900 पॉइंट कर लेते हो, तो आज आपका इजी कॉन्कर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4880 पे भी हो जाएगा, बट यहाँ पे 4900 आपको कर लेना है, थोड़ा सा आप सिक्योर रहोगे, ठीक है। अब देखो डेली का यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट भाग रहे, बस हो गया। अब धीरे धीरे ना थोड़ा सा कम हो जाएगा, डेली का 40 भागेगा, डेली का 30 भागेगा, और लास्ट में ना डेली का मुश्किल से 10 से 15 भागेगा, बस हो गया। तो आप यहाँ पे लगे रहना, आपका लास्ट तक कॉन्कर हो ही जाएगा। अब भाई सीजन एंड पॉइंट कॉन्कर की बात करें, तो वहां पे आपको इस सीजन मेरे को ऐसा लग रहा है 5300 से 5400 तक जाएगा, ठीक है, तो आप कोई गिव अप वगैरह मत करो भाई, 5400 पॉइंट तो आराम से आप कर लोगे। डेली का 2 रेटिंग प्रोटेक्शन जब तक मिल रहा है ना, तब तक अच्छे से लूट लो, लेकिन आगे नहीं मिलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई 2-3 दिन में बंद भी हो जाएगा ये 2 रेटिंग प्रोटेक्शन वगैरह मिलना, तो मुश्किल होगा थोड़ा, बट कोई ना, पॉइंट ज्यादा नहीं भागेगा। अब देखो यहाँ पे नीचे एक बंदा है, ये जो सीन होगा ना, कसम से आपको इतना ज्यादा मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। पहले देखो क्या होगा इधर पे, अब देखो ये गुप्प से आगे गया, ठीक है, आगे गया, अब देखो ये करेगा क्या आगे जाके।
भाई ये जो सीन था, अगर इसमें आपको मजा आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और भाई ये कितना फनी मोमेंट था और कितना भाई क्या मतलब क्या था इसमें, मेरे को ये बताओ कमेंट में थोड़ा। और भाई कितना मजा आया ये भी कमेंट में बता देना। खैर यहाँ पे बचा था अब केवल एक बंदा, ठीक है, जो कि आगे की साइड में था। मुझे लगा भाई किसी बॉक्स वगैरह के पीछे बैठा होगा, तो आराम से जाऊँ और भाई स्मोक वगैरह करके यहाँ पे समन करूंगा और भाई रिकॉर्ड लेके कूद जाऊंगा। बट जैसे इधर पे आता हूँ अब भैया घसर घसर का साउंड आया, भैया जी आगे ही लेटे पड़े हैं। यहाँ पे ऑल पे माइक करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भैया जी आप यहाँ पे समन करो, दोनों लोग रिकॉल लेके आराम से चले जाएंगे। बट जैसे यहाँ पे पैन किलर खाने लगता हूँ अब ये बंदा यहाँ पे भाई मौके पे चौका मार ही दिया था। एट लास्ट इसको फिनिश कर देते हैं जैसे तैसे करके। अब यहाँ पे जीनी को सुमन समन करते हैं और भाई रिकॉल लेके भागते हैं, ठीक है, अच्छे से लूट कर लिया, एग्जिट करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे एग्जिट करता हूँ ना, हमको फेंक दिया फुल एकदम से रेड जोन में। अब रेड जोन में फेंक दिया, सामने देखो एक प्लेन दिख रहा है। मैं सोचा ठीक है अब यही मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है, गाड़ी खोजने के बजाय सीधा ऊपर चलूँगा और भाई यहाँ से जो एक होता है ना तोप होता है तोप से बाहर चला जाऊंगा और आराम से गाड़ी मिल जाएगी। अब देखो भाई यहाँ पे अपना जो रिकॉल है ना बिना मतलब का वेस्ट हो गया। भाई कहाँ चढ़ के बैठा है पहले ये देखो बंदे का। खैर यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। अब मैं प्लान करता हूँ भाई मुझे मेरी ही लूट चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, गाड़ी दिख जाती है तो गाड़ी उठा लेता हूँ। अब देखो वहाँ पे मैं अपने लूट लेने इसलिए जाता हूँ, पहले तो यहाँ पे बोर्ड था, बोर्ड को फिनिश करते हैं। अपने लूट वहाँ पे लेने इसलिए जाता हूँ कि मुझे पता था भाई यहाँ पे कोई बंदा रहेगा नहीं, क्योंकि भाई यहाँ से जो जहाज़ है वो ऑलरेडी जा चुका था। और भाई पूरा ऊपर के साइड में थोड़ा सा घुमा के भी चेक कर लेता हूँ कि कोई बंदा तो नहीं है, तो आराम से यहाँ पे लूटता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्क वाला काम नहीं था, मतलब रिस्क का कोई बात नहीं था, रिस्क का कोई बात ही नहीं था, तो इसलिए मैं सोचा कि अपना लूट ले लिया जाए और भाई ले भी लेता हूँ आराम से। ओके तो अब बात करें कि भाई डेली आपको कॉन्कर कितने पॉइंट पे मिलेगा, मतलब डेली का कितना पॉइंट रहता है। देखो आप यहाँ पे टॉप 100 का रैंक देख लिया करो, ठीक है, टॉप 100 का जो भी रैंक रहा करे उससे आप यहाँ पे 100 पॉइंट माइनस कर दिया करो, 100 नहीं 50 आप मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 50 करोगे तो थोड़ा सेफ रहोगी, 100 में भी आपका कॉन्कर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 पॉइंट आपको माइनस कर देना है जो भी पॉइंट आए। जैसे यहाँ पे भाई आज का पॉइंट रहेगा यहाँ पे टॉप 100 का 5000, ठीक है, 5000 पॉइंट रहेगा उधर पे, तो यहाँ पे आपको 49 कर लेना है, 4900 पॉइंट कर लेना है, इतने में आपका एजी कॉन्कर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं सीधा लास्ट के सर्कल में। बाकी यार आप लोग थोड़ा सा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब भाई यहाँ पे जिस बंदे का कॉन्कर हो जाता है ना तो वो वीडियो देखना बंद कर देता है, तो जिससे हमारे चैनल का मतलब भाई सभी यूट्यूबर के चैनल का रेस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बट कोई ना, जितने बंदे यहाँ पे देख रहे हैं उतने ही काफ़ी हैं अपने लिए, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा लाइक करने की और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है ताकि भाई हमारे वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़े, तो कर दिया करो यार। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, बट भाई यहाँ पे इतना हार्डवर्क करता हूँ ना, तो लाइक नहीं करते बंदे ना, तो किसी वीडियो में जैसे रीच थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जैसे लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा सा डाउन हो गया, तो यार ऐसे में थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है भाई, वीडियो बनाने में थोड़ा सा यार थोड़ा सा कम मजा आता है। खैर भैया बढ़ते हमारे गेम प्ले की तरफ। अब देखो यहाँ पे आता हूँ, शेक में होल्ड किया रहता हूँ और भाई यहाँ अभी भी 16 बंदे बचे हैं। और भाई इसके बाद का सर्कल इधर पे था, तो मैं सोचा ठीक है आके होल्ड कर लिया जाए इसके पहले कोई और ही बंदा आ जाए। अब देखो बैक टू बैक सर्कल ना यहाँ पे बनता ही चला जाता है। अब देखो सामने एक बंदा गया, ठीक है, जाते ही भाई वहाँ पे धुआं दिख गया एकदम से, मतलब भाई कोई सरप्राइज ही दे दिया। अब देखो ऊपर एक बंदा स्पॉट होता है, फिर वाला स्प्रे देखो भाई 319 मीटर स्प्रे करके मारा है, तो भाई इसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए प्लीज यार, ठीक है भाई, इतने सारे मोमेंट रहते हैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, बट आप लोग करते नहीं यार, पता नहीं क्या जाता है। चलो इन भैया जी को मार के यहां पे हमारे 9 किल हो जाते हैं। भाई लेफ्ट टू राइट कोई बग्गी जा रही है ना, तो स्प्रे करने में काफी हार्ड होता है, बट ये भैया जी यहीं पे रुक जाते हैं, इनको किल करके यहाँ पे हमारे 10 किल हो जाते हैं। अब भाई फुल सक्सेस करके टैप टैप मारता तो शायद बंदा
फिनिश हो जाता। अब देखो यहाँ पे बाहर जाके स्प्रे करने में ना थोड़ा सा रिस्क था, इसलिए भाई रिस्क नहीं ले रहा था। अब इधर पे बीएडे वाला बंदा भाई प्ले जोन से ही फिनिश हो जाता है। बट भाई यहाँ पे मैं किल फील्ड पे थोड़ा सा नोटिस नहीं कर रहा था, तो जिससे पता नहीं चला, ठीक है। और बार बार उधर ही मेरा ध्यान था। देखो पीछे एक बंदा आ गया, ठीक है, जो कि मेरे को यहाँ पे स्पॉट भी हो रहा है, तो आराम से बाहर जाके ना स्प्रे करके मार सकता था। बट मैं यहाँ पे सोचा भाई बाहर जाऊँगा, रिस्क है, नेट से ही भरा जाए। और भाई नेट भी यार थोड़ा ठीक ठाक परफेक्ट ही जाता है, मतलब उतना भी परफेक्ट नहीं गया कि बंदा फिनिश हो जाए। डैमेज तो हुआ ही होगा। चलो यहाँ पे हमारे M4 की गोली खत्म हो गई थी, तो पीछे आके लूटता हूँ भाई, वापस से उसी पोजीशन पे आ जाता हूँ। अब देखो बंदा सामने है और यहाँ पे हमारे पास एक डांसिंग नेट था, तो मैं सोचा कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं ये काम कर भी जाता है। बट भाई किल सामने वाले बंदे को चला जाता है। अब देखो यहाँ पे हो रहा है स्नेक वर्सेस स्नेक। बाकी इस फाइट में जीतता तो मैं ही हूँ भाई। स्पॉटिंग लेवल मेरा थोड़ा सा यार मस्त है, बढ़िया है, ठीक है। स्नेक अगर कोई है तो मैं स्पॉट कर ही लेता हूँ। जैसे इधर पे ये चिकन ओपी बोलते, चलो अब बताओ ये चिकन कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। खैर इधर पे प्लस देख लो कितना मिला। चलो 36 मतलब 36 का अच्छा खासा प्लस मिल गया। अब ये है हमारा सेकेंड गेम प्ले। इसमें रहता है भाई एक बहुत ही ब्रूटल वाला हैकर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इवेंट्स के थोड़े से किल्स देख लो। अब देखो एक बंदे का ना लैंडिंग करने का साउंड आया अभी इधर पे, फिर पता चलता है ये भैया जी ऊपर ही चढ़ के यहाँ पे लेटे पड़े हैं। मैं सोचा चलो ठीक है, ये भी अच्छा है, मेरे से क्या ही लेना देना। अब वो बंदा स्प्रे करके थोड़ा सा डैमेज कर दिया। वापस आता हूँ, पैन किलर खाता हूँ, फिर वापस जाता हूँ। अब देखो उसको कैसे भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक नेट कर देता हूँ, मैं सोचा भाई नेट से थोड़ा बहुत डैमेज हो जाएगा, नहीं तो क्या आपका फिनिश ही हो जाए। चलो इन भैया जी को फिनिश करके यहाँ पे हमारे अच्छे खासे 3 किल हो जाते हैं। अब बाहर आता हूँ, मेरे को एक और बंदा स्पॉट हो जाता है, फिर देखो। खैर ये 3x स्प्रे वेक्टर में कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पे हमारे 4 किल हो जाते हैं इवेंट में ही, ठीक है। जैसे इधर पे आता हूँ एक बंदे का फुटस्टेप आता है। अब भाई यहाँ पे जो सीन हुआ ना, आंख बंद करके मैं यहाँ पे बंदे को रिपोर्ट कर देता हूँ, कुछ भी हो जाए। भाई कुछ बंदे इसमें भी बोलेंगे नहीं नहीं वो बहुत ज़्यादा लेजिट बंदा है, और भाई बहुत ही ज़्यादा प्रो प्लेयर है, अच्छा खेलने वाला बंदा है। तो भाई अब मैं क्या ही बोलूँ उनके लिए। अब देखो जैसे यहाँ पे लैंड करता हूँ मिलिट्री बेस में ना, मेरे को जब यहाँ पे पहुँच गया तब ये बंदा स्पॉट होता है कि भाई यहाँ पे कोई बंदा है। भाई भाग तो सकते नहीं थे, अगर भागता तो ये बंदा मेरे को ईजी फिनिश कर देता। अब देखो यहाँ पे मैं करूँगा क्या भाई, ये सारी बातें ना मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में ऐसे बता नहीं सकता। अब थोड़ी देर यहाँ पे हमारी फाइट होती है, लेकिन भाई फाइट से किसी का फायदा नहीं था, ठीक है, दोनों का नुकसान ही था। अरे चला गाड़ी भी उन पाटो, उसको गाड़ी लेके भेजूंगा, तो मेरे पास गाड़ी नहीं है ब्रो, तुमको पढ़नी। मैं क्या बोल रहा हूँ ब्रो, ऊपर आ जाओ, नहीं मारूंगा ब्रो, माँ कसम आप भी मत मारना।
भाई यहाँ पे हम लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी ये भैया जी यहाँ पे भाई ब्रह्मास्त्र लेके फुस कर देते हैं, और इनको हमने भी यहाँ पे फुस कर दिया, निकल लेते हैं इधर पे। अब देखो यहाँ पे हमारा डील हो गया कि हम दोनों एक दूसरे को मारेंगे नहीं, और भाई गाड़ी लेके मैं निकल जाऊंगा, बट भाई मुझे बंदे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, फिर भी यार यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके लूटता हूँ। और भाई यहाँ पे एक फ्लेयर भी था, फ्लेयर का उठा नहीं पाया, नहीं तो उठा ही लेता। अब भाई ये बंदा यूज कर लेगा फ्लेयर, चलो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई गाड़ी पे स्मोक वगैरह करता हूँ। देखो ऐसे अगर फाइट को टाला जा सके, स्किप किया जा सके, तो भाई कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पे फाइट करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे मेरे अच्छे खासे 6 किल थे, और भाई इस बंदे को मैं बता भी देता हूँ कि गेम में एक तालिश नाम का बंदा है जो कि हैकर है। तो भाई बंदा बोलता है चलो ठीक है, मैं यहीं पर सर्वाइव करूँगा अपना लास्ट के सर्कल तक। तो मैं बोला ठीक है भाई चलो, मैं भी एकदम से लास्ट के सर्कल तक भाई इधर ही सर्वाइव करता हूँ। देखो जब गेम में हैकर हो ना, तो भाई ऐसे सिचुएशन में आपको जोन में एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब एकदम से लास्ट वाला जब ये डेथ सर्कल श्रिंक हो जाए ना, तब जाके आपको जोन में एंट्री करना है। देखो भाई ये तालिश नाम का बंदा बस मारे जा रहा है। अभी देखो ये किल्स कितने निकाला है, वो देखो इधर पे आप। अब मैं सोच रहा था भाई अपना जोन में एंट्री करते करते टॉप 10 भी हो जाएगा, अब टॉप 10 हुआ नहीं था। जैसे इधर पे आता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे भाई, मैं सोचा ठीक है यहीं पे वेट कर लेते हैं कि अब तक यहीं से अपना टॉप 10 हो जाए। और भाई हमारा टॉप 10 हो भी गया था। अब मुझे पता चल गया था बंदा यहाँ पे स्प्रे किया था, तो उधर से किल फील्ड आया था कि बंदा लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से राइट साइड से जोन में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे भाई आपने देख ही लिया कि अगर गेम में हैकर वगैरह हो तो भाई किस टाइम पे जोन में एंट्री करना है। भाई ये सारी बातें मैं ऐसे पॉइंट करके नहीं बता सकता। अब देखो जैसे यहाँ पे इसका किल फीड आता है ना, तो मैं सोचा भाई राइट से यहाँ पे दुम दबा के भागो, लेकिन उतने भाई ये बंदा स्पॉट कर लेता है, फिनिश कर दिया। खैर यहाँ पे भाई अपना टॉप 10 हो गया था, और भाई अपने को अच्छा खासा 24 का प्लस मिल गया था, देख लो भाई। यही टिप्स एंड ट्रिक्स में अब मैं क्या बताऊँ। खैर अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो भाई आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, ठीक है। तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर ही सकते हो। बाकी इसका गेम प्ले इधर पर देख लो। अब बंदा सामने एकदम से लेटा पड़ा था, बट भाई उससे इसको कुछ फर्क वगैरह नहीं पड़ता। देखो सामने कैसे मार दिया भाई। खैर रिपोर्ट किया करो, मैं भी करता हूं, ठीक है। बैन भी हो रहे हैं आजकल। अब बचा है लास्ट का केवल एक बंदा, भाई उसको भी ये कहां मार देता है, कैसे मार देता है, स्पॉट भी नहीं होता, दिखता भी नहीं है। खैर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।